जाओगे। चेहरा तो हमसे अच्छा मिल जाएगा, लेकिन जब दिल की बात आएगी ना। वेलकम बैक डियर सब्सक्राइबर्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ वीएन एडिटर में हम कैसे अपने वीडियो को क्वालिटी को इनहेंस कर सकते हैं, मीन्स उसका शार्पन को इंक्रीज कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आप उसे कैसे 4K में एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना एंड अब अपने वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते। तो सबसे पहले वीएन एडिटर को ओपन करेंगे एंड प्लस वाले बटन के ऊपर टैप करेंगे, देन न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करके हमें एक यहाँ प्रोजेक्ट बनाना होगा। तो सबसे पहले तो यार हमें अपनी वीडियो को सेलेक्ट आउट करना है, तो आप स्क्रॉल करना एंड अपनी वीडियो के ऊपर टैप करना, देन डन के ऊपर क्लिक करते तो वीडियो ऐड हो चुकी। ओके, देख सकते हो वीडियो को मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। बिल्कुल नॉर्मल सा वीडियो, कुछ भी इसमें एडिटिंग नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल क्वालिटी है, ठीक है। अब इसमें हमें 4K क्वालिटी कन्वर्ट करने के लिए सिंपली से हमें क्या करना होगा, ओवरले के ऊपर या फिर इसमें बोला जाता है PIP, तो PIP के ऊपर हम क्लिक करेंगे, वीडियो एंड फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे और सेम वीडियो को हमें यहाँ पे सेलेक्ट आउट करना होगा, ठीक है। तो सेम वीडियो को मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसे पूरा स्क्रीन में फिल करते हैं। तो सिंपली से यहाँ पे हम फिट का ऑप्शन को यूज कर लेते हैं ताकि पूरा स्क्रीन में फिल हो जाए ना। उसके बाद हमें ना इसमें एक सेटिंग करना होगा, तो आपको सिंपली से ब्लेंडिंग के ऊपर जाना है और यहाँ पे आपको एक देखने को मिल रहा होगा एक्सक्लूजन, ठीक है, एक्सप्लोजन नहीं एक्सक्लूजन। तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे, डन के ऊपर क्लिक करेंगे तो देख सकते हो कुछ ऐसा इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे सेटिंग के ऊपर आना होगा, मीन्स फिल्टर में आना है, एडजस्टमेंट के ऊपर आना है और यहाँ पे आपको एक शार्पन का ऑप्शन मिलेगा, तो शार्पन को हम इंक्रीज कर देंगे एंड ये जो भी एडिटिंग आप देख पा रहे हो ये सारा का सारा हम जो PIP से लेके आए हैं ना उसके ऊपर कर रही है, वाले के ऊपर ज्यादा एडिटिंग नहीं किया, जस्ट ब्लेंडिंग में जाके एक्सक्लूजन को सेलेक्ट किया एंड फिल्टर में जाके एडजस्ट में जाके जस्ट सिंपली से यहाँ पे हमने शार्पन को बढ़ाया, ठीक है। इतना काम आपको करना है, देन उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट वाले बटन के ऊपर टैप करके इसे 4K में सेलेक्ट करके जस्ट आप इसे एक्सपोर्ट कर देना, ठीक है। एक्सपोर्ट कर देंगे, देन थोड़ा सा हमें यहाँ पे वेट करना होगा, एक्सपोर्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उतना टाइम हमें इसे दे देते हैं, देन उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वाला स्टेप बताता हूँ। एक्सपोर्ट कम्प्लीट हो चुका है, देन सेव टू एल्बम के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फिर से हमें यार प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना होगा, एक नया प्रोजेक्ट बनाना होगा, अपने ओरिजिनल वीडियो को सेलेक्ट करना होगा एंड डन के ऊपर क्लिक करना होगा, ठीक है। और अभी जो हमने वीडियो को एक्सपोर्ट किया है उस वाले वीडियो को आपको टैप करके यहाँ से वीडियो एंड फोटो के ऊपर वीडियो को सेलेक्ट आउट करना होगा, ठीक है। तो वीडियो यहाँ पे हमारे ऐड हो जाएगी, जस्ट थोड़ा सा प्रोसेसिंग हो जाए देन उसके बाद ऐड हो जाएगा, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेते हैं। अगेन हम वही काम करेंगे, इसे पूरा फिल स्क्रीन कर देते हैं एंड ब्लेंडिंग के ऊपर आएंगे और यहाँ पे आपको जस्ट ब्लेंडिंग में ना डिफरेंस को सेलेक्ट करना है, ठीक है। डिफरेंस को आपको सेलेक्ट करना होगा एंड इसका स्ट्रेंथ को आपको कम करना है, आपके वीडियो के हिसाब से इसे आपको कम या फिर ज्यादा करना होगा, ठीक है। तो अब अपने वीडियो के अकॉर्डिंग देख लेना, मेरे वीडियो में 22% काफी सही लग रहा है, तो इतना रखता हूँ, देन डन के ऊपर हम क्लिक करते। तो आप देख सकते हो इसमें थोड़ा बहुत तो HDR इफेक्ट आ चुका है, ठीक है, या फिर यू बोलो कि क्वालिटी इनहेंस हो गया, बट कम्प्लीटली नहीं हुआ है। तो उसे करने के लिए आप अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करना, ओरिजिनल वाले वीडियो के ऊपर, देन फिल्टर के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पे एडजस्ट के ऊपर आपको आना है एंड एक्सपोजर को आपको 5-6% डिक्रीज करना है, कॉन्ट्रास्ट को आपको 5-6% इंक्रीज करना है एंड ब्राइटनेस को भी थोड़ा सा डिक्रीज करना है, ठीक है। इतना काम आपको करना होगा, देन यहाँ पे टेम्परेचर पे आके आप इसे कम या फिर ज़्यादा कर सकते हो, बट ये देखो ज़्यादा ही कर देना 2-3%, ताकि आपका फेस थोड़ा सा ऑयली लगे, शार्पनेस हो जाए, ओके ना। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो शार्पन का एक ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आना है एंड इसे इनहेंस कर देना है, जितना ज़्यादा आप इंक्रीज करना चाहो आपकी वीडियो के ऊपर सही लगे उतना इंक्रीज कर देना ना। उसके बाद हम इसे सिंपली सा डन करते हैं एंड मैं इसे आपको प्ले करके दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हो क्वालिटी जो है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है वीडियो का। सो इस तरीके से करके आप ईजिली इसका क्वालिटी को इनहेंस कर सकते हो जब आपका एडिटिंग हो जाए कंप्लीट। देन उसके बाद ये वाटर मार्क वाले पार्ट को आप डिलीट कर देना ना। उसके बाद सिंपली सा 4K में एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट वाले बटन के ऊपर टैप करेंगे एंड ये वाला जो सेटिंग है ना इसे आपको 4K में रख देना है और इसे 60 में रख देना, देन एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना, तो 4K में वीडियो एडिट भी हो गया, 4K में एक्सपोर्ट भी हो गया। तो यार वीडियो को लाइक कर दो एंड हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।